और वो हिरण तब मारिश को कहता है कि मारिश तू सोने का हिरण बन, तो मारिश कहता है कि मैं नहीं बनूंगा, तो रावण कहता है नहीं बनेगा तुझे खत्म कर दूंगा। तब मारिश कहता है कि मैं तेरे हाथ से मरने से भी अच्छा है कि मैं राम के हाथ से मरूं, इसलिए वो सोने के हिरण बनने की कार्य करते हुए आगे बढ़ता है। और जब जाता है तो जब चिल्लाता है कि हे सीते हे लक्ष्मण, ऐसे चाहते ही सीता को लगता है कि मेरे राम को कुछ हुआ, मांड लग गया है। और लक्ष्मण से कहते हैं कि जा राम को कुछ हुआ है, जल्दी भागते हुए जा। तो लक्ष्मण कहते हैं माँ ये कुछ मुझे ऐसा ऐसा माया लगता है, मैं नहीं जाता तुम्हें छोड़कर, मैं तुम्हारी रक्षा करते हुए बैठता हूँ। लेकिन सीता उसे कहती है कि नहीं नहीं तुझे जाना ही है भाई, तुझे तू बुरे विचारों को लेकर बैठा है क्या। तब लक्ष्मण क्या कहता है, माँ एक बात कहता हूं, मैं यहां से 3 लकीरें मार रहा हूं जो स्तंभन मंत्र से मैंने स्तंभित किया है, तुम इसे पार करके बाहर ना आओ और कोई इसके पार करके तुम्हारे पास ना आ सकेगा। और उन्हें उस स्तंभन की 3 रेखाएं खींची जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। और रावण वहां आया, उतना शिव भक्त था, कैलाश को भी शिव बन गया था, आत्म शिव जी के आत्मलिंग को भी प्राप्त किया था, लेकिन वह उस 3 रेखाओं को पार नहीं कर सका। ऐसे स्तंभन विद्या को रखते रखा और सीता को कहता है कि मैं इन 3 रेखाओं को पार करके भिक्षा लेने नहीं आ सकता, तू 3 रेखा के पार करके आ जा, अगर तू नहीं आते तो एक अतिथि का एक ब्राह्मण इसका तुम अपमान कर रही हो और तुझको इसका दोष और इसका शाप लगेगा। तब सीता ने क्या किया कि अतिथि आया है तो उसको छोड़ नहीं सकते, और वो वहां से आई, उसको पार करके आगे आई, आते ही रावण ने उसको ठेके। ऐसे स्तंभन विद्या आज भी है, क्या आज भी कर सकते हैं? आपने कभी सुना है सुमति नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी, और उसका पति इतना खराब था कि वो सारे वैश्याओं के पास जाता था, लेकिन पतिव्रता धर्म के कारण वो अपने पति को भी जो भी इच्छा करता था कि मेरी पति की इच्छा पूर्ण करें। आजकल तो ऐसी स्त्रियां देखने को नहीं मिलती और मिलने भी नहीं चाहिए, ऐसा होता ही नहीं, आज तो कोर्ट केस हो जाएगा दूसरे दिन अगर पति ऐसी कुछ बात करता है और स्त्री करता है तो कोर्ट केस हो ही जाएगा। तो वह जो ऋषि था, वो ऋषि को कुष्ठ व्याधि हो गई थी, वो खूब वैश्याओं के पीछे घूमता था। उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे रहा नहीं जा रहा है, मुझे फलाने वैश्या है उसके पास ले जा। पत्नी अपने पति के उस धर्म को निभाने के लिए उसको टोकरी में बिठाकर उस वैश्या के घर में रात को ले जाने के लिए निकली, वो भी एक ऋषि था। जब निकल के जा रही थी तो उसने देखा कि उसके अंधेरे में नहीं दिखा, वहां एक मुरकंड नाम के ऋषि को, मांडवी नाम के ऋषि को फांसी के लिए लटकाया गया था, और उसके नीचे एक स्टूल एक गद्दी रखाई गई थी। वो देखा नहीं और उसने एकदम से उसकी लात लगी और नीचे का स्टूल चले गया और उसको फांसी पड़ गई। तब वो मांडव ऋषि कहता है हे सुमति, तू जिस कार्य के लिए जा रहे वो कार्य नहीं होगा और तेरे कार्य में विघ्न ही विघ्न आएंगे। तू जिस पति के लिए जा रहे हैं कल सुबह तक तेरा पति सूर्योदय होते तेरा पति मर जाएगा, ऐसा श्राप देते हैं। वो सुमति जो अपने पति के लिए इतना तत्पर होकर एक वेश्या के पास ले जा रहे हैं जिसको कुष्ठ व्याधि है, जिसको पांव पड़ने के लिए, वो उसका बात नहीं सुनते हुए उस वेश्या के पास गई और उस वेश्या को कहा कि मेरे पति को कुष्ठ व्याधि है लेकिन वो तेरे पास आना, तू जो भी चाहती है मेरा सारा सुना देती हूँ, लेकिन उसको तृप्त कर, उसको प्रसन्न कर। लेकिन उसको बाद में ये हुआ कि पति जब उस वेश्या के पास हुआ तो सुबह होने वाली है, तब वो प्रार्थना करती है कि मैं अब किसके पास जाऊं, मैं इतना पातिव्रत धर्म करने के बाद, पति की इतनी बात मानने के बाद भी आज सूर्योदय होते उस ऋषि के शाप के कारण पति मर जाएगा, तो इसके लिए क्या करना है। तब वो पतिव्रता स्त्री सती अनुसुईया माता का स्मरण करती है और कहती है माँ जिस पतिव्रता धर्म को तुम निभा रही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मार्क्ष महासत्य महाकाली को भी हरा दी हो, तुम ऐसे पतिव्रता हो तो आज मेरे इस सुहाग को तू लौटा दे, कल अगर सूर्योदय होगा तो पति मर जाएगा, ऐसा मांडवी ऋषि ने शाप दिया है, अब इसका आगे कैसे करना है। तब सती अनुसुईया कहती उसको उसके जीवन को देखती है और उसके आंखों में आंसू होते हैं, अपने पति की प्रसन्नता के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, अगर ऐसा है तो उस मांडवी ऋषि का श्राप न लगे। अनुसुईया कहती है सुमति कल सुबह सूर्योदय ही नहीं होगा, मैं देखती हूँ। और सूर्योदय रुक जाता है, सभी ऋषि देवी देवता संध्या वंदन पूजा करने वाले, सूर्य का उदय नहीं हो रहा है, सब लोग आए भागते हुए कि सूर्य क्यों नहीं उग रहा है। और सती अनुसुईया के बाद से सब देवताएं को आकर कहा कि एक पतिव्रता स्त्री ने सूर्योदय को रोका है, अगर सूर्योदय होता है तो उस पतिव्रता स्त्री का पति मर जाएगा। तब उन्होंने आकर कहा कि सती अनुसुईया हम उस शाप का वो शाप करते हैं,
हम किसी भी तरह एक मिनट के लिए उसका पति मरेगा, फिर उसको हम जिंदा कर देते हैं। ऐसा शिव जी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी ने कहा, सूर्योदय होने दे, तो आशीर्वाद दे उस पति को जिंदा करने का जिम्मा हमारे तरफ सब देवताओं के कहते हैं। तब उन्होंने कहा और उस पति को फिर जिंदा करके रख दिया। तो तब सारे लोग वहां खड़े लोग पूछते हैं कि अनुसुईया माते, तूने उस सूर्य को उगते हुए कैसे रोका? उन्होंने कहा कि मेरे पति की दिए हुई विद्या है, मैं सूर्य जो चलते रहे, सूर्य का जो चक्र है, उस चक्र को मैंने स्तंभित किया था बकलाम के मंत्र से, और उसको रोककर मैंने पति को बताया था। ये ध्यान हमारे पास, ये शास्त्र, ये सारी कथाएं, पुराण कथाएं यूं ही नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई राज है। आज भी तुम्हारे ऊपर कोई बुरा प्रहार हो रहा है, कोई दुष्ट तुम्हारे को सता रहा है, कोई दुष्ट तुम्हारे ऐसी व्याधि जो तुम नहीं आनी चाहिए ऐसी व्याधि तुम्हें आई है या दुष्टता समा रही है, तो तुम निश्चित रूप से बगलामुख की साधना करो, तुम्हें स्तंभित होते हुए तुम उसकी रक्षा तुम कर सकते हो। लेकिन इस साधना को करने का विधान आ जाना चाहिए। आज हम माता बम्लेश्वरी देवी के पास क्षेत्र के सामने हैं, और मैं इसीलिए इस मंत्र को चुना हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई दुष्ट तुम्हारे ऊपर कोई प्रहार ना करें, तुम ऐश्वर्यवान हो, तुम एक वांछा देवता की साधना संपन्न करो। अगर आज मैं वो साधना आप यहाँ करते हो और अगली बार मैं आता हूँ और आप ये कह दें कि प्रभु हमने वो साधना की और अगर हम दरिद्र हैं तो फिर मैं यहाँ इस आसन पर बैठने नहीं आऊंगा, मैं कहता हूँ निश्चित रूप से वो साधना सिद्ध होनी ही चाहिए और आप ऐश्वर्यवान होते हो, माँ बगलामुखी की साधना का फल आपको मिलना ही चाहिए, ऐसा ही आशीर्वाद देता हुआ अभी आपको उस कुछ समय के लिए समय देता हूँ। अब मैं उस बगलामुखी की साधना आपके हाथों से संपन्न करवाऊंगा जिस कारण मैं यहाँ उस वांछा के हृदय साधना के लिए यहाँ आया हूँ। तब तक के लिए हम भजन सुनेंगे, एक बार जय घोष करेंगे। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, वंदनीय माता जी की, गुरु पुत्र गुरुदेव की, समस्त सिद्धाश्रम की, समस्त सिद्धाश्रम सागर परिवार की। बोलो हर हर महादेव। दो भजन सुनाओ, उसके बाद में साधना संपन्न करवाऊंगा। तो एक रिन्यूअल की तरह होता है, गुरु दीक्षा लेने में कोई गलती नहीं है। जो लोग नहीं लिए हैं और लेना चाहते हैं, जो लिए हैं वो भी गुरु दीक्षा ले लें, उसके बाद मैं इस साधना को, साधना का मंत्र और विधान आपको समझाऊंगा। सभी लोग जो साधना करना चाहते हैं वो लोग सामने आकर बैठ जाएं। पहले गुरु मंत्र की दीक्षा होगी, उसके बाद मैं साधना का विधान आपको समझाऊंगा। पहले गुरु दीक्षा भी सभी लोग हाथ जोड़े, मैं जैसा कहता हूं वैसा कहो। बोलो स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका बायां हाथ हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पर रखो। मैं मंत्र बोल रहा हूँ मेरे साथ। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। जिनको ज्ञान है वो लोग 11 बार गुरु मंत्र जप बोल लीजिए, मन में आंख मूंद कर गुरु जी का ध्यान करो और गुरु मंत्र जप बोल लो।
वैसे भी माँ बगलाओं की बमलेश्वरी के नाम से विख्यात यहाँ उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के पास में हम बैठे हुए हैं और माँ बमलेश्वरी या बगलामुखी माता हमारी इच्छा पूर्ण करे, इसी उद्देश्य से इस क्षेत्र में मैंने इस बगलामुखी मंत्र को, जो बगलामुखी मंदारा विद्या के नाम से जानी जाती है, स्तंभन विद्या तो है ही है, इसे ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा गया है। हम पीले कपड़े पर सामने पहले यंत्र रखें, हमारे से हो सकता है तो उसका धागा निकाल कर हाथ को बांध लें ताकि वो यंत्र आपके लिए ही काम करता है जो साधना कर रहे हैं। यंत्र को जो धागा बांधा हुआ है वो आपके हाथ को बांध लीजिए ताकि वो यंत्र आपके लिए ही काम करें। उसके बाद यहाँ के आयोजकों से निवेदन करता हूँ कि अगर पीले फूल है तो सारे साधकों को दे दें यंत्र के ऊपर पीले फूल चढ़ाने के लिए, केवल पीले फूल चढ़ाएं या पीला अक्षर चढ़ाएं। साधना कर रहे हैं, साधना जो कर रहे हैं उनके लिए पीले फूल या पीले अक्षर प्रदान करें। पीले कपड़े पर यंत्र रखने के बाद यंत्र का बांधा हुआ धागा आपके हाथ को बांध लो और यंत्र के ऊपर पीले फूल चढ़ाओ। सभी को फूल और अक्षत पहुंच गए हैं, जो लोग यंत्र हैं जिनके पास नहीं पहुंचे वो लोग हाथ उठाओ उनको उनके पास आ जाए। जिनके पास यंत्र सामग्री लिए हैं और अक्षत और फूल नहीं पहुंचे वो लोग हाथ उठा दो उनके पास अक्षत और फूल पहुंच जाएंगे। पीला कपड़ा और यंत्र अपने बाएं हाथ में लेकर उसके ऊपर अपना दायां हाथ रख दे, मैं ध्यान बोल रहा हूं। पीले कपड़े के साथ फूल के साथ बाएं हाथ लेकर उसके ऊपर दायां हाथ ढक दे, ढक कर रख दे। मैं तीन बार ध्यान बोलता हूं, आप जो भी इच्छा है उस यंत्र के सामने बोलो जिसके लिए आप साधना करना चाहते हैं। इस यंत्र की विशेषता यह है कि कर्जा उतरने के लिए या डूबा हुआ धन प्राप्त करने के लिए बंद कार्य तंत्र बाधा से बंधे हुए लोग हैं उस तंत्र को खोलने के लिए, ऐश्वर्यवान बनने के लिए, संपन्नवान बनने के लिए यह मंत्र और यह साधना और यह यंत्र बहुत ही उपयोगी है और आपकी इच्छा पूर्ण करने वाला है। इसलिए आपकी ऐसी कोई भी इच्छा हो तो उस इच्छा को आप
बोल ले। मैं ध्यान 3 बार पढ़ता हूं, आपकी इच्छा बोल ले। सुवर्णाभरणाम देवीं पीतमाल्यां वरामृतां ब्रह्मास्त्रं विद्यां बगलां वैरीणां स्तंभेन भजे। सुवर्णाभरणाम देवीं पीतमाल्यां वरामृतां ब्रह्मास्त्र विद्यां बगलां वैरीणां स्तंभेन भजे। सुवर्णाभरणाम देवीं पीतमाल्यां वरामृतां ब्रह्मास्त्रं विद्यां बगलां वैरीणां स्तंभेन भजे। अभी यंत्र को पास में सामने रख दो। और कमल की माला को हाथ में ले लो। माला के मेरे अपने दोनों आंखों को लगा लेकर नमस्कार करो माला को। ओम माम माले महामाया महाशिवि चतुर्वर्षमान सिद्ध वो ओम ह्रीम सिद्ध ये नम ओम ह्रीम सिद्ध है नम। 3 बार बोलो ओम ह्रीम सिद्ध है नम। हे माला तुम सिद्ध हो जाओ ऐसा बोलो ओम ह्रीम सिद्ध ये नम। उसके बाद बगला की माला को हाथ में ले लो और यंत्र के ऊपर चढ़ाओ। मैं बगला गायत्री बोलता हूँ, यंत्र के ऊपर माला को चढ़ा दो। नमस्कार करो बगला मुखी माता को। मैं जो बोलता हूँ ओम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन माणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। इसको इस मंत्र को 10 बार बोलना है। ओम ह्रीम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन माणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ओम ह्रीम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन माणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ओम ह्रीम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभनमणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ओम ह्रीम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभनमणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ओम ह्रीम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभनमणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात। ओम ह्रीम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभनमणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात। ओम ह्रीम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभनमणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात। ओम ह्रीम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभनमणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात। ओम ह्रीम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभनमणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात। अब मैं मंत्र बोलता हूँ, मेरे साथ 3 बार मंत्र बोलो और सभी को 5 माला मंत्र जप करना है और उसकी 1 माला मैं आहुति दिलवाने लगाता हूँ। होम कुंड रखा गया है तब यह मंत्र और यंत्र सिद्ध होगा। और जिसके घर में यह यंत्र होगा उसके घर में कर्जा नहीं होगा, कर्जा जो भी है उतर जाएगा। 40 दिन के अंदर अंदर उतरना चाहिए, नहीं तो 1 साल के अंदर तो जरूर उतरेगा जो जिसकी 1 माला करता है। इस यंत्र को सिद्ध करने के लिए बेल के वृक्ष के नीचे अगर 1 लाख मंत्र जो पाता जब होता है तो बगला माता इस यंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। और जो आज मेरे सामने 5 माला मंत्र जप करके उसकी 1 माला आहुति देता है तभी भी यंत्र सिद्ध होता है। और जिसके घर में यंत्र रखा गया है उसके घर में पीले अक्षर या पीले फूल चढ़ाने पर इस यंत्र के ऊपर और मंत्र को केवल 1 माला या कम से कम 11 बार बोल लेते हैं आप वर्ष भर, तो आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यंत्र को घर में रखने मात्र से घर में अगर संतान नहीं होता है तो संतान होगी, शादी नहीं होती तो शादी होगी, कोई काम रुक गया हो तो राम वो काम किस लिए, किस ग्रहों के कारण, किस बाधाओं के कारण, किस तंत्र बाधाओं के कारण रुक गया है वो सारा काम खुल जाएगा और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आप इस यंत्र को घर में रखने मात्र से पीले कपड़े पर उसके ऊपर पीले फूल डालकर या पीले अक्षर डालकर नमस्कार भी करते हो और माता बम्लेश्वरी के पास इस यंत्र को किसी भी पूर्णिमा के पास ले जाकर लाते हो उसके चरणों को लगाकर, तो आपकी इच्छाएं सारी पूर्ण होगी। ऐसा ही आशीर्वाद देता हुआ मैं मंत्र बोलता हूँ, मेरे साथ मंत्र बोलो। इसको ओम नहीं लगाना है, श्रीम ह्रीम ऐं भगवती बगले में श्रीयम देहि देहि स्वाहा। श्रीम ह्रीम ऐं भगवती बगले में श्रीयम देहि देहि स्वाहा। श्रीम ह्रीम ऐं भगवती बगले में श्रीयम देहि देहि स्वाहा। आप 5 माला मंत्र जप करो, उसकी 1 माला आहुति डलवाऊंगा और यंत्र को सिद्ध करने के बाद आपको शक्तिपात दीक्षा इसलिए दूंगा कि आपको बगला मुख की शक्ति प्राप्त हो और आप घर में कहां भी जाए आपके ऊपर कोई तंत्र काम न करे और आप जहां भी जाए आपका काम पूर्ण हो। ऐसी शक्ति प्रदान करने के लिए जो ये साधना संपन्न करता है उनको शक्तिपात दीक्षा हवन के बाद प्रदान करूंगा। आप सब लोग 5 माला जप करें उसके बाद आहुति दिलाई जाएगी। आयोजकों से निवेदन है कि उदय महाराज ले जाकर अग्नि स्थापना करें।